चलिए, तो नासिर से इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो राहुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए समर्थकों का उत्साह भी काफी ज्यादा है। चौथी लिस्ट मध्य प्रदेश में जारी की गई है, लेकिन वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी जो दूसरी सूची है वो सामने आ चुकी है। 3 सांसद यहां से चुनाव अब लड़ने वाले हैं। और जो समीकरण की बात हम कर रहे थे, जब मध्य प्रदेश की 3री सूची आई थी तो उस वक्त भी बात की गई थी कि इसी तरह का कुछ समीकरण जो है वो छत्तीसगढ़ में भी नजर आएगा, और बिल्कुल कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। 64 नाम का ऐलान किया गया है, 64 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, जिस समीकरण की बात हो रही थी मध्य प्रदेश में कि तमाम सांसदों को और मंत्रियों को वहां पर उतारा गया है, कुछ इसी तरह का समीकरण अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो दूसरी सूची में नजर आ रहा है, जहां 3 सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो वहीं 11 विधायकों को भी रिपीट किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा की दूसरी सूची उसके आई है, उसके बाद से ये तो स्पष्ट हो गया है कि तमाम पुराने चेहरों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। भाजपा में तमाम जो पुराने चेहरे हैं उनको यहाँ पर टिकट मिला है। और बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो 24-25 विधानसभा सीट है उसमें केवल एक सीट बेलतरा विधानसभा वो फिलहाल होल्ड में है। तमाम सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें से 5 प्रत्याशियों की का नाम का जो घोषणा है वो भाजपा ने कर दिया है, पुराने चेहरों पर से दांव लगाया गया है। बिलासपुर विधानसभा सीट से जिस तरह से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को मौका दिया गया है, बिल्हा से यहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें मस्तूरी से भी पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। यह जरूर है कि 2 विधानसभा सीटों पर कोटा और तखतपुर यहां पर नए चेहरे जो है पार्टी ने दिए हैं। एक चेहरा अगर हम बात करें तखतपुर विधानसभा का, तो यहां पर धर्मजीत सिंह को यहां पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। धर्मजीत सिंह वही है जो लंबे समय तक कांग्रेस से विधायक रहे हैं, लगातार विधायक रहे हैं। आखिरी समय में अगर बात करें तो वो जोगी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ा, भाजपा ज्वाइन किया था, और भाजपा ज्वाइन करने के साथ अब उनको तखतपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। लोरमी सीट से वो पहले चुनाव लड़ते आए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोटा विधानसभा की, कोटा विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर लगातार कांग्रेस जीतते आई है। कांग्रेस का इसको अवैध किला, अवैधगढ़ माना जाता है। हालांकि अब यहां पर पार्टी ने स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को यहां पर प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में एक जो है चौंकाने वाला नाम यहां पर कहें तो वो सामने आया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार हमने देखा है कोटा में कांग्रेस जीतते आई है, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से रेणु जोगी यहां पर जीत कर आई थी, जोगी कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद जिस तरह से अब यहां पर टिकट की घोषणा हुई, उससे माना जा सकता है कि कोटा विधानसभा में भाजपा ने एक माइंड गेम खेला है जिसमें जोगी वर्सेस जुदेव एक बार फिर से यहां पर कोटा में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन जिस तरह से एक जो बिलासपुर के बेलतरा सीट से जिस तरह से टिकट को होल्ड किया गया है, उसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ नाम यहां से सामने आ सकते हैं। हालांकि बेलतरा में वर्तमान तौर पर बात करें तो रजनीश सिंह यहां से विधायक रहे हैं और तमाम जितने विधायक हैं वर्तमान में उनको टिकट दिया गया है। सीधे रजनीश सिंह जी से बात करते हैं। सर, जिस तरह से अभी दूसरी सूची आई है, लगभग सभी प्रत्याशियों का जो नाम है वो क्लियर हो चुका है, बेलतरा सीट आपका सीट है होल्ड हो गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेताओं को सबको बहुत बधाई देता हूँ कि जो अभी सूची जारी हुई है वो बहुत संतुलित है। इसमें हर वर्ग का युवा हो, चाहे हमारे माताएं बहनें हों और हमारे जो अनुभवी वरिष्ठ नेता हैं ऐसे, और नए लोगों को, सब प्रकार के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है। और मैं निश्चित रूप से आज आपको ये बात बोल रहा हूँ, पहले भी आपको कई बार बोला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत पूर्ण बहुमत के साथ सरकार 3 दिसंबर को आप देखेंगे बननी जा रही है। रही बात विधानसभा की, तो रणनीति के तहत कई बार रहता है और हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, बस उसमें कोई बहुत बड़ी इसको मैं विषय के रूप में नहीं देखता हूँ। क्या लगता है पार्टी कोई पसोपेश में है बेलतरा विधानसभा को लेकर, जो टिकट जो है प्रत्याशियों की सूची उसमें आपका नाम नहीं है? हालांकि बीते दिनों एक वायरल सूची हुई थी, अलग अलग नए नामों की जो चर्चा थी वो यहाँ पर शुरू हुई थी विधानसभा में। नहीं नहीं, बिल्कुल पार्टी कोई पसोपेश में नहीं रहती, कई प्रकार के रणनीतिक हिस्से रहते हैं राजनीति में चुनाव के समय में, तो होगा। और 5 सीट रुका हुआ है अभी, तो इसमें मैं इसको किसी प्रकार का अन्य दृष्टि से नहीं देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब प्रकार के सोच समझ के और सब प्रकार के निर्णय लेते हैं, और जो भी निर्णय होगा अच्छा निर्णय होगा। कितने आश्वस्त हैं आप अपने टिकट को लेकर, क्योंकि बेलतरा विधानसभा एक सीट का जो है यहाँ पर रुका हुआ है? देखिए, मैं अपने टिकट के लिए नहीं लगा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लगा हूँ। और मैं ये मानता हूँ, ये सूची देख करके, पहले 21 की सूची
और अभी की सूची देख करके कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। रजनीश जी, आप लंबे समय तक संगठन में रहे हैं, लंबा तजुर्बा आपका संगठन का रहा है, और जिस तरह से आपने विपक्ष में रहते हुए 5 साल यहाँ पर विधायक के तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाई है, उसके बाद क्या लगता है जिस तरह से दूसरी सूची आई है इसको लेकर बिलासपुर जिले की अगर खासतौर पर बात करें, जो 5 विधानसभा सीट है उसमें भाजपा कहाँ पर है? जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार आप मान के चलिए अभी जो घोषित 5 सीट है, 5 सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है अच्छे खासे बहुमत के साथ। अच्छा, एक बात यह भी उठी थी क्योंकि वायरल जो सूची हुई थी उसके बाद से विरोध का भी सामना कहीं ना कहीं तखतपुर से आवाज उठी, मस्तूरी से आवाज उठी, बिल्हा से भी आवाज उठी, क्या लगता है इसका खामियाजा भी है भाजपा को भुगतना पड़ेगा वही पुराने चेहरे फिर से? नहीं, देखिए टिकट मांगने का सबको अधिकार हक रहता है, कार्यकर्ता बहुत वर्षों से मेहनत करते रहते हैं और सबको हक रहता है, तो अपना बात रखने गए थे, अपना टिकट मांगने गए थे, अपने जो उनको लगता है नेता होना चाहिए जाते हैं, लेकिन टिकट जब डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक होकर के पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं। अब किस रणनीति के साथ जो है भाजपा आगे जाने वाली है, क्योंकि लगभग अब पिक्चर जो है प्रत्याशियों को लेकर वो क्लियर हो चुका है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव आज घोषित हुआ है, आचार संहिता लगा है, या आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिक्लेयर हो, इस आधार पर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, 1 सप्ताह, 12 महीने काम करने वाली पार्टी, इसलिए पार्टी का रणनीति सामान्य ढंग से चल रहा है। चुनाव की तैयारी हम बहुत पहले से करके रखे थे, हमारे वरिष्ठ नेता हर प्रकार के जो चुनाव की सूक्ष्म तैयारी होती है उसको करके रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बहुत कम समय बचा है क्योंकि जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद चुनाव 7 तारीख को, उसके बाद अगला चरण में दूसरे चरण का भी चुनाव यहाँ पर होना है, समय कम है भाजपा के पास? देखिए, हमारे भारतीय पास कोई समय कम नहीं है। मैंने पहले कहा कि हम सब 24 घंटा 7 दिन महीना भर पूरा साल भर काम करने वाले लोग हैं, हम सब 1 दिन के 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम चुनाव लड़ने की तैयारी में रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समय की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, हमारा पूरा तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे अच्छे रणनीति के साथ इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को बहुत भारी बहुमत के साथ 3 दिसंबर को हटाने जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है उसके बाद भाजपा यहाँ पर कहीं ना कहीं आश्वस्त है क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों का नाम सामने आया है, भाजपा को उम्मीद है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएंगे और भाजपा यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से आपने आकलन किया है। जितेंद्र, आप रायपुर का रुख करेंगे, रायपुर की बात करें, राजेश मिश्रा हमारे से जुड़े हैं, रायपुर में जिस तरीके से रायपुर जिले की बात करें, यहाँ पर 2 नाम नए चेहरे सामने आए हैं जो कि पिछले चुनाव में नहीं रहे। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुरंदर मिश्रा का नाम उत्तर से सामने आया और मोतीलाल साहू ग्रामीण से। अगर इन 2 चेहरों की बात करें राजेश, क्योंकि 21 सीट रही है रायपुर की बीजेपी के पास, तो कितना बड़ा दांव और क्या उम्मीदें हैं बीजेपी को इन 2 सीटों से? देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी का एकमात्र इस बार वो था, कहना था कि केवल और केवल जीतने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट दी जाएगी, और यही सवाल हमने आज अरुण साहु से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हो चुकी थी कि एक दर्जन से ज़्यादा जो आपके पूर्व मंत्री थे वो पिछला चुनाव हार गए थे, और आखिर 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि उन सभी को आपने टिकट दे दी गई? तो उन्होंने ये कहा कि पिछला चुनाव जो हार रहे थे उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे, जो छल किया था, उसके कारण वो पिछला चुनाव हारे थे। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि रायपुर में 2 नए चेहरों को मौका दिया गया, एक पुरंदर मिश्रा और दूसरा रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू को दी गई। मोतीलाल साहू पिछला चुनाव पाटन से लड़े थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको हराया था, इसके अलावा वो महासमुंद से भी चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पर भी हार का सामना कर चुके हैं। साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, साहू समाज के काफी वोटर्स हैं छत्तीसगढ़ में, तो उस स्थिति को देखते हुए उनको रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया गया और रायपुर ग्रामीण में साहूल जो समाज के लोग बाहुल्य हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआगा, सर्वे में जो बात सामने आएगी उसमें मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को लगा होगा, इसलिए रायपुर ग्रामीण से उनको मौका दिया गया है। इसी तरह अगर हम बात करें उत्तर से, बिल्कुल नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है, जो सराईपाली बसना से पुरंदर मिश्रा जो पिछला एक बार चुनाव हार चुके हैं उनको रायपुर उत्तर में मौका दिया गया है, क्योंकि उत्तर में काफी उत्कल समाज के लोग।